सीआईटी एन सीई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा सात की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनि पाठ अध्याय दो भिन्न एवं दशमलव पृष्ठ तरेपन दो दशमलव सात दशमलव संख्याओं की भाग सविता अपनी कक्षा की सजावट के लिए एक डिजाइन तैयार कर रही थी उसे एक दशमलव नौ सेंटीमीटर लंबाई वाली कुछ रंगीन कागज की पट्टियों की आवश्यकता थी उसके पास नौ दशमलव पांच सेंटीमीटर लंबाई वाली एक रंगीन कागज की पट्टी थी इस पट्टी में से वह अभीष्ट लंबाई के कितने टुकड़े प्राप्त कर सकेगी उसने सोचा शायद यह नौ दशमलव पांच बटा एक दशमलव नौ होगा क्या यह सही है नौ दशमलव पांच और एक दशमलव नौ दोनों ही दशमलव संख्याएं हैं इसलिए हमें दशमलव संख्याओं की भाग भी जानने की आवश्यकता है दो दशमलव सात दशमलव एक दस सौ और हजार से भाग आइए अब हम एक दशमलव संख्या की दस 10, सौ और हजार से भाग ज्ञात करते हैं आइए हम इकतीस दशमलव पांच भाग दस ज्ञात करते हैं इकतीस दशमलव पांच भाग दस बराबर तीन सौ पंद्रह भाग दस गुणा एक बटा दस बराबर तीन सौ पंद्रह बटा सौ बराबर तीन दशमलव एक पांच इसी प्रकार इकतीस दशमलव पांच भाग सौ बराबर तीन सौ पंद्रह भाग दस गुणा एक बटा सौ बराबर तीन सौ पंद्रह बटा एक हजार बराबर शून्य दशमलव तीन एक पांच प्रयास कीजिए ज्ञात कीजिए एक दो सौ पैंतीस दशमलव चार भाग दस दो सौ पैंतीस दशमलव चार भाग सौ तीन दो सौ दशमलव चार भाग हजार आइए हम ये देखते हैं कि क्या हम संख्याओं को दस सौ अथवा हजार से भाग करने का कोई प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं यह संख्याओं को दस सौ अथवा हजार से संक्षिप्त विधि से भाग करने में हमारी सहायता कर सकता है इकतीस दशमलव पांच भाग दस बराबर तीन दशमलव एक पांच इकतीस दशमलव पांच भाग सौ बराबर शून्य दशमलव तीन एक पांच इकतीस दशमलव पांच भाग हजार बराबर शून्य दशमलव शून्य तीन एक पांच दो सौ इकतीस दशमलव पांच भाग दस बराबर डैश दो सौ इकतीस दशमलव पांच भाग सौ बराबर डैश दो सौ इकतीस दशमलव पांच भाग हजार बराबर डैश एक दशमलव पांच भाग दस बराबर डैश एक दशमलव पांच भाग सौ बराबर डैश एक दशमलव पांच भाग हजार बराबर डैश उनतीस दशमलव तीन छ भाग दस बराबर डैश उनतीस दशमलव तीन छह भाग सौ बराबर डैश उनतीस दशमलव तीन भाग हजार बराबर डैश इकतीस दशमलव पांच भाग दस बराबर तीन दशमलव एक पांच खो लीजिए इकतीस दशमलव पांच और तीन दशमलव एक पांच में अंक एक जैसे हैं अर्थात तीन एक और पांच परंतु भागफल में दशमलव बिंदु विस्थापित हो गया है किस तरफ और कितने स्थानों से दशमलव बिंदु बाई तरफ एक स्थान से विस्थापित हो गया है ध्यान दीजिए दस में एक के अतिरिक्त एक शून्य है पृष्ठ चौवन अब इकतीस दशमलव पांच भाग सौ बराबर शून्य दशमलव तीन एक पांच की चर्चा करते हैं 31.5 दशमलव पांच और शून्य दशमलव तीन एक पांच में अंक एक जैसे हैं परंतु भागफल में दशमलव बिंदु के बारे में क्या कह सकते हैं यह बाईं तरफ दो स्थानों से विस्थापित हो गया है ध्यान दीजिए सौ में एक के अतिरिक्त दो शून्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को दस सौ अथवा हजार से भाग करने पर संख्या एवं भागफल के अंक एक जैसे हैं परंतु भागफल में दशमलव बिंदु बाईं तरफ उतने ही स्थानों से विस्थापित हो जाता है जितने एक के साथ शून्य होते हैं इस प्रेक्षण का उपयोग करते हुए अब हम शीघ्रतापूर्वक निम्नलिखित को ज्ञात करते हैं दो दशमलव तीन आठ भाग दस बराबर शून्य दशमलव दो तीन आठ दो दशमलव तीन आठ भाग सौ बराबर शून्य दशमलव शून्य दो तीन आठ दो दशमलव तीन आठ भाग हजार बराबर शून्य दशमलव शून्य शून्य दो तीन आठ दो दशमलव सात दशमलव दो पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग आइए हम छह दशमलव चार बटा दो याद करते हैं याद कीजिए हम इसे छह दशमलव दो भाग दो के रूप में भी लिखते हैं इसलिए जैसा कि हमने भिन्नों से सीखा है छह दशमलव चार भाग दो बराबर चौसठ बटा दस भाग दो बराबर चौसठ बटा दस गुणा एक बटा दो बराबर चौसठ गुणा एक बटा दस गुणा दो बराबर एक गुणा चौसठ बटा दस गुणा दो बराबर एक बटा दस गुणा चौसठ बटा दो बराबर एक बटा दस गुणा बत्तीस बराबर बत्तीस बटा दस बराबर तीन दशमलव दो अथवा आइए सर्वप्रथम हम चौसठ को दो से भाग करते हैं हम बत्तीस प्राप्त करते हैं छह दशमलव चार में दशमलव बिंदु के दाई तरफ एक अंक है बत्तीस में दशमलव इस प्रकार रखिए ताकि दशमलव के दाई तरफ केवल एक ही अंक रह जाए हम फिर से तीन दशमलव दो प्राप्त करते हैं प्रयास कीजिए एक पैंतीस दशमलव सात भाग तीन बराबर डैश दो पच्चीस दशमलव पांच भाग तीन बराबर डैश प्रयास कीजिए एक तैतालीस दशमलव एक पांच भाग पांच बराबर डैश दो बयासी दशमलव चार चार भाग, चार भाग चार बराबर डैश उन्नीस दशमलव पांच भाग पांच ज्ञात करने के लिए पहले एक सौ पिचानवे भाग पांच ज्ञात कीजिए हम उनतालीस प्राप्त करते हैं उन्नीस दशमलव पांच में दशमलव बिंदु के दाई तरफ एक अंक है उनतालीस में दशमलव बिंदु को इस प्रकार रखिए ताकि इसके दाई तरफ केवल एक अंक रह पाए आप तीन दशमलव नौ प्राप्त करेंगे पृष्ठ पचपन अब बारह दशमलव नौ छह भाग चार बराबर एक हजार दो सौ छियानवे बटा सौ भाग चार बराबर एक हजार दो सौ छियानवे बटा सौ गुणा एक बटा चार बराबर एक बटा सौ गुणा एक हजार दो सौ छियानवे बटा चार बराबर एक बटा सौ गुणा तीन सौ चौबीस बराबर तीन दशमलव दो चार अथवा एक हजार दो सौ छियानवे को चार से भाग दीजिए आप तीन सौ चौबीस प्राप्त करते हैं बारह दशमलव नौ छह में दशमलव बिंदु के दाई ओर दो अंक हैं 324 में इसी प्रकार दशमलव रखते हुए आप तीन दशमलव दो चार प्राप्त करेंगे ध्यान दीजिए यहां और इससे अगले परिच्छेद में हमने केवल ऐसे विभाजनों की चर्चा की है जिनमें दशमलव को ध्यान में न रखकर एक संख्या को दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित किया जा सकेगा अर्थात फल के रूप में शून्य प्राप्त होगा जैसा कि उन्नीस दशमलव पांच भाग पांच में जब एक सौ पिचानवे को पांच से विभाजित किया जाता है तो शेष फल शून्य प्राप्त होता है यद्यपि ऐसी भी स्थितियां हैं जिनमें कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं की जा सकती अर्थात हमें शेष फल के रूप में शून्य की प्राप्ति नहीं होती है उदाहरणतः एक सौ पिचानवे भाग सात ऐसी स्थितियों के बारे में हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे प्रयास कीजिए ज्ञात कीजिए एक पंद्रह दशमलव पांच भाग पांच दो एक सौ छब्बीस दशमलव तीन भाग सात उदाहरण नौ चार दशमलव दो तीन दशमलव आठ और सात दशमलव छह का औसत ज्ञात कीजिए हल चार दशमलव दो तीन दशमलव आठ और सात दशमलव छह का औसत बराबर चार दशमलव दो जमा तीन दशमलव आठ जमा सात दशमलव छह बटा तीन बराबर पंद्रह दशमलव छह बटा तीन बराबर पांच दशमलव दो होगा दो दशमलव सात दशमलव तीन एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग आइए हम पच्चीस दशमलव पांच बटा शून्य दशमलव पांच अर्थात पच्चीस दशमलव पांच भाग शून्य दशमलव पांच ज्ञात करते हैं पृष्ठ छप्पन हम पाते हैं पच्चीस दशमलव पांच भाग शून्य दशमलव पांच बराबर दो सौ पचपन बटा दस भाग पांच बटा दस बराबर दो सौ पचपन बटा दस गुणा दस बटा पांच बराबर इक्यावन अतः पच्चीस दशमलव पांच भाग शून्य दशमलव पाँच बराबर इक्यावन आप क्या देखते हैं पच्चीस दशमलव पाँच बटा शून्य दशमलव पांच के लिए हम पाते हैं कि शून्य दशमलव पांच में दशमलव के दाई तरफ एक अंक है इसको दस से भाग करने पर पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है इसी तरह से पच्चीस दशमलव पांच को भी दस से भाग करके एक भिन्न में परिवर्तित किया गया है अथवा हम कहते हैं कि शून्य दशमलव पांच को पांच बनाने के लिए दशमलव बिंदु को दाई तरफ एक स्थान से विस्थापित किया गया है इसलिए पच्चीस दशमलव पांच में भी दशमलव बिंदु को दाई तरफ एक स्थान से विस्थापित करके 225 में परिवर्तित किया गया अतः बाईस दशमलव पांच भाग एक दशमलव पांच बराबर बाईस दशमलव पांच बटा एक दशमलव पांच बराबर दो सौ पच्चीस बटा पंद्रह बराबर पंद्रह है इसी प्रकार बीस दशमलव तीन बटा शून्य दशमलव सात और पंद्रह दशमलव दो बटा शून्य दशमलव आठ ज्ञात कीजिए प्रयास कीजिए ज्ञात कीजिए एक सात दशमलव सात पांच बटा शून्य दशमलव दो पांच दो बयालीस दशमलव आठ बटा शून्य दशमलव शून्य दो तीन पांच दशमलव छह बटा एक दशमलव चार आइए अब हम बीस दशमलव पांच पांच भाग एक दशमलव पांच ज्ञात करते हैं ऊपरयुक्त चर्चा के अनुसार हम इसे दो सौ पांच दशमलव पांच भाग पंद्रह के रूप में लिख सकते हैं इससे हम तेरह दशमलव सात प्राप्त करते हैं तीन दशमलव नौ छह बटा शून्य दशमलव चार दो दशमलव तीन एक बटा शून्य दशमलव तीन ज्ञात कीजिए अब तैतीस दशमलव सात दो पाँच बटा शून्य दशमलव दो पाँच की चर्चा करते हैं हम इसे तीन हजार तीन सौ बहत्तर दशमलव पांच बटा पच्चीस के रूप में लिख सकते हैं कैसे और हम एक सौ चौंतीस दशमलव नौ के रूप में भाग फल प्राप्त करते हैं आप सत्ताईस बटा शून्य दशमलव शून्य तीन कैसे ज्ञात करेंगे हम जानते हैं कि सत्ताईस को सत्ताईस दशमलव शून्य शून्य के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए सत्ताईस बटा शून्य दशमलव शून्य तीन बराबर सत्ताईस दशमलव शून्य शून्य बटा शून्य दशमलव शून्य तीन बराबर दो हजार सात सौ बटा तीन बराबर डैश पृष्ठ सत्तावन उदाहरण दस एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दो दशमलव पांच सेंटीमीटर है बहुभुज का परिमाप बारह दशमलव पांच सेंटीमीटर है इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं हल बहुभुज का परिमाप इसकी सभी समान भुजाओं की लंबाई का योग होता है बराबर बारह दशमलव पांच सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर दो दशमलव पांच सेंटीमीटर अतः भुजाओं की संख्या बराबर बारह दशमलव पांच बटा दो दशमलव पांच बराबर एक सौ पच्चीस बटा पच्चीस बराबर पांच बहुभुज की पांच भुजाएं हैं उदाहरण ग्यारह एक कार दो दशमलव दो घंटे में नवासी दशमलव एक किलोमीटर की दूरी तय करती है कार द्वारा एक घंटे में तय की गई औसत दूरी कितनी है हल कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर नवासी दशमलव एक किलोमीटर इस दूरी को तय करने में लिया गया समय बराबर दो दशमलव दो घंटे इसलिए कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर नवासी दशमलव एक बटा दो दशमलव दो बराबर आठ सौ इक्यानवे बटा बाईस बराबर चालीस दशमलव पांच किलोमीटर प्रश्नावली दो दशमलव सात एक ज्ञात कीजिए एक शून्य दशमलव चार भाग दो दो शून्य दशमलव तीन पांच भाग पांच तीन दो दशमलव चार आठ भाग चार चार पैंसठ दशमलव चार भाग छः पाँच छः सौ इक्यावन दशमलव दो भाग चार छ चौदह दशमलव चार नौ भाग सात सात तीन दशमलव नौ छः भाग चार आठ शून्य दशमलव आठ शून्य भाग पाँच दो ज्ञात कीजिए एक चार दशमलव आठ भाग दस दो बावन दशमलव पाँच भाग दस तीन शून्य दशमलव सात भाग दस चार तैंतीस दशमलव एक भाग दस पाँच दो सौ बहत्तर दशमलव दो तीन भाग दस छः शून्य दशमलव पाँच छः भाग दस सात तीन दशमलव नौ सात भाग दस तीन ज्ञात कीजिए एक दो दशमलव सात भाग सौ दो शून्य दशमलव तीन भाग सौ तीन शून्य दशमलव सात आठ भाग सौ चार चार सौ बत्तीस दशमलव छः भाग सौ पाँच तेईस दशमलव छः भाग सौ छः, अठानवे दशमलव पाँच तीन भाग सौ पृष्ठ अठावन चार ज्ञात कीजिए एक सात दशमलव नौ भाग हजार दो छब्बीस दशमलव तीन भाग हजार तीन अड़तीस दशमलव पाँच तीन भाग हजार चार एक सौ अट्ठाईस दशमलव नौ भाग हजार पांच शून्य दशमलव पांच भाग हजार पांच ज्ञात कीजिए एक सात भाग तीन दशमलव पांच दो छत्तीस भाग शून्य दशमलव दो तीन तीन दशमलव दो पांच भाग शून्य दशमलव पांच चार तीस दशमलव नौ चार भाग शून्य दशमलव सात पांच शून्य दशमलव पांच भाग शून्य दशमलव दो पांच छ सात दशमलव सात पांच भाग शून्य दशमलव दो पांच सात छिहत्तर दशमलव पांच भाग शून्य दशमलव एक पांच आठ सैतीस दशमलव आठ भाग एक दशमलव चार नौ दो दशमलव सात तीन भाग एक दशमलव तीन छ एक गाड़ी दो दशमलव चार लीटर पेट्रोल में तैंतालीस दशमलव दो किलोमीटर की दूरी तय करती है यह गाड़ी एक लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी हमने क्या चर्चा की एक हमने पिछली कक्षा में भिन्न एवं दशमलव के बारे में तथा उन पर योग एवं व्यवकलन की संक्रियाओं सहित अध्ययन किया है दो अब हमने भिन्नों एवं दशमलवों पर गुणन एवं भाग की संक्रियाओं का अध्ययन किया है तीन हमने अध्ययन किया है कि भिन्नों को कैसे गुणा किया जाए दो भिन्नों को गुणा करने के लिए उनके अंशों एवं हरों को पृथक पृथक गुणा किया जाता है और फिर गुणनफल को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में लिखा जाता है उदाहरणार्थ दो बटा तीन गुणा पांच बटा सात बराबर दो गुणा पांच बटा तीन गुणा सात बराबर दस बटा इक्कीस चार भिन्न प्रचालक का के रूप में काम करती है उदाहरणतः दो का एक बटा दो होता है एक बटा दो गुणा दो बराबर एक पांच ए दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है बी एक उचित और एक विषम भिन्न का गुणनफल विषम भिन्न से कम होता है और उचित भिन्न से अधिक होता है सी दो विषम भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है पृष्ठ उनसठ भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है सात हमने देखा है कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है ए एक पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग करते समय हम पूर्ण संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं उदाहरणतः दो भाग तीन बटा पांच बराबर दो गुणा पांच बटा तीन बराबर दस बटा तीन बी एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए हम भिन्न को पूर्ण संख्या के व्युत्म से गुणा करते हैं उदाहरणतः दो बटा तीन भाग सात बराबर दो बटा तीन गुणा एक बटा सात बराबर दो बटा इक्कीस सी एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग करने के लिए हम पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं इसलिए दो बटा तीन भाग पांच बटा सात बराबर दो बटा तीन गुणा सात बटा पांच बराबर चौदह बटा पंद्रह आठ हमने यह भी सीखा है कि दो दशमलव संख्याएं कैसे गुणा की जाती हैं दो दशमलव संख्याओं को गुणा करने के लिए सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाई तरफ अंकों की संख्या को गिनते हैं गिनी हुई अंकों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं सबसे दाएं स्थान से अंकों को गिनते हुए गुणनफल में दशमलव बिंदु रखा जाता है यह गिनती पूर्व में प्राप्त योग के समान होनी चाहिए उदाहरणतः शून्य दशमलव पांच गुणा शून्य दशमलव सात बराबर शून्य दशमलव तीन पांच नौ एक दशमलव संख्या को दस सौ अथवा हजार से गुणा करने के लिए हम उस संख्या में दशमलव बिंदु को दाई तरफ उतने ही स्थान से विस्थापित करते हैं जितने एक के अतिरिक्त शून्य होते हैं अतः शून्य दशमलव पांच तीन गुणा दस बराबर पांच दशमलव तीन शून्य दशमलव पांच तीन गुणा सौ बराबर तिरपन शून्य दशमलव पांच तीन गुणा एक हजार बराबर पांच सौ तीस दस हमने देखा है कि दशमलव संख्याएं कैसे विभाजित की जाती हैं ए, एक दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं तब भागफल में दशमलव बिंदु को वैसे ही रखा जाता है जैसे दशमलव संख्या में पृष्ठ साठ उदाहरणतः आठ दशमलव चार भाग चार बराबर दो दशमलव एक ध्यान दीजिए हम यहां पर केवल ऐसे विभाजनों की बात कर रहे हैं जिनमें शेष फल शून्य है बी एक दशमलव संख्या को दस सौ अथवा हजार से भाग करने के लिए दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु को बाई तरफ उतने ही स्थान से विस्थापित करते हैं जितने एक के अतिरिक्त शून्य होते हैं इस प्रकार भाग फल की प्राप्ति होती है इसलिए तेईस दशमलव नौ भाग दस बराबर दो दशमलव तीन नौ तेईस दशमलव नौ भाग सौ बराबर शून्य दशमलव दो तीन नौ तेईस दशमलव नौ भाग हजार बराबर शून्य दशमलव शून्य दो तीन नौ सी दो दशमलव संख्याओं को भाग करते समय सर्वप्रथम हम दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु को दाई तरफ समान स्थानों से विस्थापित करते हैं और तब भाग देते हैं अतः दो दशमलव चार भाग शून्य दशमलव दो बराबर चौबीस भाग दो बराबर बारह अभी आप सुन रहे थे कक्षा सात की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर गौरव मारवा, तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई टी एन टी नई दिल्ली भारत